जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में आदिवासी वीर क्रांतिकारी योद्धाओं को याद किया गया। आजादी में आदिवासी जनजाति के वीर योद्धाओं का योगदान रहा है, जिसको लेकर आजादी की लड़ाई में भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने को लेकर उनकी वीरता को याद किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आदिवासी जनजाति समाज के अनेकों क्रांतिकारियों का इतिहास से नाम मिटाकर उनकी वीर गाथा से वंचित रखा गया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कपिल देव मिश्र ने बताया कि आजादी की गौरव गाथा में आदिवासी जनजाति के क्रांतिकारी वीर योद्धा का इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कैसे संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को, ये जो संगोष्ठी है इसमें स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान, ये इस विषय पर कि जैसे रानी दुर्गावती, शंकर साय, रघुनाथ साय, भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर नारायण से अनेक महापुरुष इस देश में हुए। इस विषय पर हमारे जो विद्यार्थी हैं, युवा छात्र छात्राएं और सभी शिक्षकों को और हमारे जितने आगंतुक लोग हैं, एक नए नए तथ्यों से और सत्यों से जानकारी हम कराई गई हमारे विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के द्वारा, जो हमारे ऐसे इतिहास जो छुपे हुए, दबाए गए अथवा नहीं लिखे गए, उसकी जानकारी हमारे विद्यार्थियों को मिल रही। जिस देश का इतिहास युवा अपने आत्मसात करके आगे बढ़ता है।